Hi guys, wish you a very very good morning. This is me, Aisha Joshi, and you are watching me on the channel of ATYS. So here it is 3rd of August 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. तो सबसे पहले तो हम भगत सिंह की कुछ लाइंस हैं उन्हें लेते हैं. द सैंक्टिटी ऑफ लॉ कैन बी मेंटेन्ड ओनली सो लॉन्ग एज इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ पीपल. आप क्या चाहते हैं उसके लिए आपका विल कितना है, आप कितना एफर्ट्स डाल सकते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो चीज़ आपके पास ज़रूर लौटेगी. ये वो चीज़ आप तक ज़रूर पहुंचेगी, ये कहना है भगत सिंह का. इवन ये एक लॉ है, ये लॉ ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं इसे, कि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को पाने के लिए जो एक्सप्रेस करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके पास में लौट कर आएगी. इसलिए अपने प्रिपरेशन के लिए 100% एफर्ट्स डालिए, दिन रात बस यूपीएससी या जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको माइंड में रखिए. यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ पाकिस्तानीज बिहाइंड चाइनीज इन्फो वॉर ऑन बॉर्डर स्टैंड ऑफ. बॉर्डर पर जो इन्फो वॉर चल रहा है चाइनीज़ का, तो उसके लिए जो रीज़न बताया गया है, उसके बिहाइंड जो रीज़न है वो है पाकिस्तानीज हैंडल्स विद चाइनीज नेम्स मंदारिन कंटेंट ट्रेस्ड टू अर्लियर अवतार्स ऑफ उर्दू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इट इज़. बेसिकली The many of the Chinese accounts have that mushroomed on social media this summer and spread false information about the border clash with India have been traced to Pakistan. जो अभी तक social media पर अभी recently हमारा जो dispute लद्दाख area के अंदर चल रहा था, LAC area के अंदर China के साथ चल रहा था, उसके लिए जो fake news जो सोशल मीडिया पे जो कर रहे थे, पॉपअप कर रहे थे, बेसिकली जो फेक न्यूज़ को स्प्रेड कर रहे थे, प्रोपोगेट कर रहे थे, वो सारी न्यूज़ जो है जिन अकाउंट्स के थ्रू जा रही थी वो अकाउंट्स पाए गए हैं पाकिस्तानीज़ की. ओके, सो समवेयर हम कह सकते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट करने क्रिएट करने का काम जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है. India have been traced to Pakistan in what is believed to be a coordinated disinformation campaign aimed at India. और इंडिया और पाकिस्तान के, इंडिया और चाइना के बीच में पाकिस्तान द्वारा जो डिस इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं या जो गलत तरह की इन्फॉर्मेशन जिस तरीके से डिलीवर की जा रही थी चाइना के अंदर सोशल मीडिया पे जो एक्सप्लोर की जा रही थी, ये सारी जो न्यूज़ है ये सब पाकिस्तानीज के द्वारा बनाए गए अकाउंट है. इंडिया के द्वारा हाल ही में रिसर्च किए जाने पर या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किए जाने पर पता चला कि वो सारे अकाउंट्स जो सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें फैला रहे थे या इस तरह से स्प्रेड हो रखे थे वो सारे जो है पाकिस्तानी पर्संस के हैं. ठीक है, द यूज़र एक्सप्लॉयटेड ट्विटर लूफ होल विच अलाउड दैम टू चेंज प्रोफाइल नेम्स अकाउंट हैंडल्स. ओके, दे यूज्ड स्टॉक प्रोफाइल फोटोज ऑफ चाइनीज सोल्जर्स टू टुक लुक ऑथेंटिक. ऑथेंटिक लगने के लिए वो चाइनीज लोगों की ही फोटो को, सोल्जर्स की फोटो को यूज़ कर रहे थे. विच वर एक्टिव चाइनीज अकाउंट्स विच वर एक्टिव आफ्टर द LAC क्लैश प्रीवियसली हैड डिफरेंट नेम्स. उनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग तरीके से उन्हें चलाया जा रहा है. अकाउंट्स हैड बायोस इन उर्दू विच वर लेटर चेंज्ड टू मंदारिन. सो ऑल दिस इज़ दैट उन्होंने लैंग्वेजेस भी यूज़ की है चाइना की. प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो उन्होंने चाइनीज सोल्जर्स की यूज़ करते हुए इस तरह की खबरें जो है प्रोपोगेट करने का काम किया है. ठीक है, कैसे पकड़ में आए. द चेंज अवतार वर डिटेक्टेड बिकॉज सम ऑफ दीज अकाउंट्स विच हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स वर प्रीवियसली बींग ट्रैक्ड. जो जिनके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स जिनके देखे जा रहे हैं, मतलब करीब करीब 10,000, 1,00,000 ऐसे फॉलोअर्स जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जिनके फॉलोअर्स देखे जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ट्रैक किया गया था पहले ही. और उस ट्रैकिंग बेसिस पर या ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो डिटेक्ट हुए हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग
और बहुत बड़ी न्यूज़ है अपने आप में ये कि चाइना के लोगों सॉरी पाकिस्तान के लोगों द्वारा चाइना और इंडिया के बीच डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए ये जो हिंसा भड़काने के लिए जो सब किया जा रहा था, इट इज़ समवेयर द वे ये शो करता है कि पाकिस्तान डोंट वांट अप टू गेट कनेक्टेड विद चाइना और दे डोंट वांट चाइना टू हेल्प और टू डू एनी गुड डील्स विद इंडिया. And they even don't want to make a good relation in between India and China. So somewhere we can say that Pakistan is playing a backstage role, I can say, and they are doing a backstage performance so that we can't bind it up. Okay, let's see what is going on. Government should take initiatives on it, and Chinese government should also know that what is happening behind. The next news is an analog library gets a new avatar. Teachers, students in Arunachal town turn old government building into reading room. Reading room में convert कर दिया पुरानी government की building थी जिसे students और teachers ने, और एक नए अवतार में library को represent किया है. District long affected by militancy in Arunachal Pradesh is celebrating the rebirth of an analog library. Even as the world embraces the digital era, जिस समय digital era की तरफ जा रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से पूरा विश्व, उस condition में अरुणाचल प्रदेश में analog करके और library को जो है birth किया दिया गया है, या हम कह सकते हैं एक बहुत अच्छा initiative create किया गया है. Longding bordering Nagaland is among the three districts of frontier state where encounters with various fractions of the National Socialist Council of Nagaland are routine. The other two are Changlang and Tirap, from which Longding were carved out in March 2012. So students making use of the reading room of Longding Library in Arunachal Pradesh, it is all about Longding Library. And we can see that students are doing their studies according to their education system. The system this is which are using by or I can say which are used by teachers to do the useful creations. Okay, somewhere government buildings ko is tarike se use karna apne aap mein ek bahut reading room ke roop mein apne aap mein ek bahut acha innovative idea hai. It is a new type of analog library which is somewhere showing that we are much innovative than any other country, because somewhere all around is going digital when we are going to do these type of activities. Okay, so let's see what will be the impact of this analog library on whole world, or I can say even on India, and how we are going to take this particular thing. The next article is based on editorial analysis. So this article is fraudulent claims. ये fraudulent claims पर based article है. In election postponement talks के बारे में बात की गई है election में. Trump sought to cast doubts on integrity of electoral process. Electoral process जो है उसके ऊपर जो doubts हैं उन्हें cast करने की Trump ने जो है sought किया था इस matter को, and he go through this particular procedure. And fraudulent claims की यहाँ बात की गई है. President Donald Trump imperiled the confidence on his fellow citizens in November 2020 US presidential election when he asked via Twitter whether he ought to postpone it due to concerns surrounding the possibility of fraud owing to mail-in voting. This form of voting, which includes absentee voting but can include broader measures for voting via the postal system. So basically what is happening, the thing is जहाँ पे कोरोना वायरस और सब ये जो सिनेरियो है एनवायरमेंट का उसको देखते हुए सोशल गैदरिंग्स को कहीं ना कहीं अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है मैक्सिमम लेवल पे. द एवरी इंडिविजुअल कंट्री इज ट्राइंग टू अवॉइड सोशल गैदरिंग्स. सो समवेयर यूएस के अंदर जो है इलेक्शन का एक प्रोसीजर पर बात की जा रही है इस आर्टिकल में,
वहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो किए जाने की बात की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन प्रोसीजर्स. मतलब इसके अंदर ये कोशिश की जा रही है कि मेल के थ्रू जो है इलेक्शन वोटिंग सिस्टम रखा जाना चाहिए और इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए. सो उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है वहाँ के लोगों से और जो फेलो सिटीजन्स हैं उनसे ये बात कन्फर्म की है कि क्या ऐसा होना चाहिए. नवंबर 2020 में जो इलेक्शंस होने हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस उन्हें इस तरीके से करना चाहिए या हमें पोस्टल वे में करना चाहिए, बिकॉज समवेयर ये हमारे लिए एक हम कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है. इवन द थिंग दैट इस तरह का फ्रॉड भी हमें ऑनलाइन देखने को मिल सकता है. और यहीं अगर बात करें पोस्टल जो वोटिंग है या पोस्टल सर्विसेज के थ्रू वोटिंग करना, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है. हिज ट्वीट हैज़ रेज्ड फ्यूरोर विथ स्पेक्यूलेशंस दैट द प्रेजिडेंट मे बी टॉइंग विथ द आइडिया ऑफ डीलिंग द डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज बियॉन्ड November 3 after trailing his Democratic challenger former Vice President Joe Biden in his opinion polls. और अगर बात करें जो बिडेन की, तो उनका ये कहना है कि ये जो सब किया जा रहा है या ये जो सारे इश्यूज जो रखे जा रहे हैं US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कर करके और जो है वहाँ के इलेक्शंस को पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा. सो समवेयर ये जो पूरा सिचुएशन है ये बेसिकली बेस्ड है कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए. और इस तरीके के इवन अभी जो है इम्पीचमेंट की बात भी की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के, तो समवेयर ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये जो सब चीज़ें की जा रही है अभी एट प्रेजेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, ये जो क्वेश्चंस खड़े किए जा रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने जो है बचकानी हरकत के रूप में भी सामने लेकर आए हैं. लेकिन उसी के साथ में ये एक ऑथेंटिकल हम कह सकते हैं या कहीं ना कहीं विचार कर देने वाला टॉपिक भी है, बिकॉज ये तो डेफिनेटली एक श्योरिटी है कि टेक्निकल फॉर्म में अगर कोई चीज़ की जाती है तो उसमें फ्रॉड का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बेसिस पे अगर बात करें तो. तो देखते हैं आने वाले टाइम में कैसे ये इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, कैसे पोलिंग होती है, कैसे जो है वोटिंग होती है, और ये सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में ही बता पाएंगे जब हमें एक्चुअल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये फ्रॉडुलेंट क्लेम्स जो किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, वो किस हद तक सही है और क्या वास्तव में ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी, ये सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में पता चलेगा. लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट डू यू थिंक दैट ये जो इलेक्ट्रल या हम कह सकते हैं मेल के थ्रू जो वोटिंग है ये सही है या पोस्टल ऑर्डर्स के थ्रू, आपके क्या विचार है इस बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन स्लोज एज लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन इज द इकोनॉमी सीज द फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी. इकोनॉमी जैसे कि देखिए लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस की अगर बात की जाए, अभी इतने लंबे टाइम के लॉकडाउन के बाद में जहाँ पे ये जो है एक रिलैक्सेशन मिल चुका है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसी के तहत इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है. और उसके बाद में पहला रिकवरी का साइन भी हमें देखने को मिला है. द लेटेस्ट डेटा जो आउट हुआ है एट द 8 करोड़ इंडस्ट्रीज पॉइंट टू टेंटेटिव साइंस दैट द पेंडेमिक स्पर्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन मे हैव बिगिन टू बॉटम आउट. अब ये जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना है, इंडस्ट्रीज़ का कहना है, उनकी जो रिपोर्ट है, उनके जो डेटाज हैं सेंसस के बेसिस पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक जो हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस जो है हमारी वो बूस्टअप हो रही है, बिल्डअप हो रही है, हम उसके अंदर ऊपर उठ रहे हैं और पहली बार देख सकते हैं कि काफ़ी श्रिंक होने के बाद भी काफ़ी लेवल काफ़ी हद तक जो है हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल होने के बाद भी अब पहली बार हमें कुछ थोड़ा सा जो है आउटपुट देखने को मिला है कि हाँ हमारी इकोनॉमी थोड़ा ट्रैक पे आने की कोशिश कर रही है. और इवन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी उस पर वर्क कर रहे हैं, अथॉरिटीज़ वर्क कर रही है, जो हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज़ है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो है टोटली वर्कआउट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे ट्रैक पर लाया जाए. ओके,
तो ये आर्टिकल पूरा उसी पर बेस्ड है, किस तरह की पॉलिसीज बनाई जा रही है इकोनॉमी को ट्रैक पर लाने के लिए, कैसे इसको जो है ट्रैक पे लाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई है कि किस पर्टिकुलर चीज़ से, चाहे एग्रीकल्चर ले लीजिए तो अलग अलग जो क्रॉप है, जैसे खरीफ क्रॉप का टाइम है तो उस सिचुएशन से जो है कैसे जो हम कह सकते हैं कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या खुद की उस सिचुएशन के, इस सिचुएशन में जहाँ COVID-19 की सिचुएशन है, इसके तहत कैसे जो है क्रॉप इफेक्ट ना हो, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ में जो दूसरे सेक्टर्स हैं, चाहे प्रोडक्शन सेक्टर ले लीजिए आप, चाहे हम कह सकते हैं टर्शरी जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर ले लीजिए, या जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर्स हैं, उन बेसिस पर अगर बात करें तो कैसे हम लोग खुद को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं, कितनी कितनी कितना लेवल पे, कितने परसेंटेज तक डाउनफॉल हुए हैं हम अलग अलग सेक्टर्स में, और अब उन्हें ऊपर लाने के लिए हमें कितने लेवल तक या कितने परसेंट तक हमें जो है एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसी पर बेस्ड है। द नेक्स्ट इज़ UK to issue कॉइन ऑन ऑनर गांधी जी। बेसिकली या इट इज़ अ गुड थिंग एट ऑल, इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि गांधी जी को ऑनर करने के लिए UK में जो है कॉइन्स इशू किए जा रहे हैं उनके, उन गांधी जी के बेस पर। तो बेसिकली फिनेंस मिनिस्टर सेज मेंबर्स ऑफ नॉन वाइट कम्युनिटी नीड टू बी रिकॉग्नाइज एंड ब्रिटेन जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कि जो कॉइन्स होंगे उनके ऊपर गांधी जी को जो है पिक्चर किया जाएगा, मतलब उनका जो है उकेरा जाएगा उनके अस्तित्व को वहाँ के कॉइन्स पर। उसका रीज़न ये है कि जो नॉन वाइट या हम कह सकते हैं ब्लैक जो पीपल्स हैं उसके अंदर जो वॉयलेंटली जो है नॉन वॉयलेंस के बेसिस पर वॉयलेंटली ना बिहेव करते हुए किस तरीके से ब्लैक पीपल्स को अपना हक दिलाने में कार्य किया गया था, और किस तरीके से जो है उन नॉन वाइट कम्युनिटीज़ के लिए एफर्ट्स लगाए डाले गए थे, उनके अंदर गांधी जी का भी कहीं ना कहीं टॉप पर नाम आता है, और उन्हीं को ओनर करने के लिए जो है ये कॉइन्स इशू किए जा रहे हैं UK में। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, एंड इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर अस दैट वी शुड गो फॉर इट। एंड आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अगर क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा यू कैन डू एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू, बट ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी जो है उन्होंने लेटर लिखकर ये बताया है कि हम लोग जो है, ब्रिटिश फिनेंस मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उन्होंने रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को जो है लेटर लिखा, इन अ लेटर टू परस्यू रिकॉग्नाइज ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम दोज कम्युनिटीज़, जो लोग जो नॉन वाइट कम्युनिटीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, और उसके अंदर जो है टॉप मोस्ट पीपल हैं, जो टॉप मोस्ट पर्सन हम जिसे पर्सनालिटी कह सकते हैं जिन्होंने नॉन वाइट पीपल्स के लिए वर्क किया है, उनमें आते हैं गांधी जी, तो उन्हें टॉप मोस्ट जो है पर्सनालिटी रखते हुए उनके नाम पे या उनके जो उसके ऊपर उनकी आइडेंटिटी पर जो है कॉइन्स इशू किए जाने चाहिए, एंड इसे इनिशिएट भी किया जा रहा है UK के अंदर। ओके, द नेक्स्ट इज़ रीबिल्ड इंडियाज़ कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी। अब सरकार को ज़रूरत है कि वो इंडिया की इकोनॉमी को जो है रीबिल्ड करे, इनका इंडिया का कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करे और इंडिया की इकोनॉमी को भी रिवाइव करे। ये जो पूरा आर्टिकल है ये बहुत ही हम कह सकते हैं ऑथेंटिक और बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखा गया है, और उनके साथ में प्रवीण चक्रवर्ती भी हैं जो दोनों ने मिल करके इस आर्टिकल को लिखा है, और बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जितना भी हो सकता है यहाँ पे स्टफ़ डाला गया है कि किस तरीके से फिनेंशियल सिस्टम को देखा जा सकता है, किस तरीके से नरेगा काम कर सकता है, कैश सपोर्ट कैसे हो सकता है, और ये जितने भी इवेंट्स सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं चलाए जाएंगे इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, तो उसके अंदर ऐसी क्या सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है, ऐसे क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया जा सकता है जो इकोनॉमी पर डीप इम्पैक्ट डालेगा और लंबे समय तक देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, और ये भी बताया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है, और अभी आज की कंडीशन जो देखी जाए तो गवर्नमेंट को बोरो करने की भी ज़रूरत है मनी। उसी के साथ में
ऐसी स्कीम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है, ऐसी प्लानिंग्स लॉन्च करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने में हेल्प कर सके, जिससे कि इंडिया के जो लोग हैं या हम कह सकते हैं आम जन जो हैं उनका सरकार पर जो एक कॉन्फिडेंस है वो रीबिल्ड हो सके। इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है वो उसे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए सरकार को कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की हो जाती है और गवर्नमेंट द्वारा ही इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को बियर किया जाता है। बिकॉज COVID-19 के दौर में भी सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और हर एक राज्य की सरकारों ने अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं जिससे कि वो COVID-19 के इस दौर में और इंडिया को जो है सेफ जोन में लेके जा सके। तो वो सारी सिनेरियो देखते हुए या इन सारी कंडीशंस को देखते हुए वी कैन से दैट इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गुड। बट अब ये जो टाइम है, ये जो कंडीशन है, इस समय हमें ज़रूरत है कि हम इंडिया की इकोनॉमी को और कॉन्फिडेंस दोनों को बिल्डअप करें। कहीं ना कहीं माइग्रेंट इश्यूज ले लीजिए या अदर कई सारे इश्यूज हैं, चाहे आप जो है कम्युनल इश्यूज ले लीजिए या रिलीजन बेसिस जो डिस्प्यूट्स हमें COVID-19 के दौर में देखने को मिले हिंदू मुस्लिम्स के एंड ऑल, तो ये सारे डिस्प्यूट्स ले लीजिए, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं सरकार अपना जो अस्तित्व है हम कह सकते हैं जो विश्वास है लोगों पर से वो खो चुकी है। अब हालांकि ये भी कह सकते हैं कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है सरकार, लेकिन उस कंडीशन को बिल्डअप करने का अब जो रोल क्रिएट हुआ है वो सरकार का है। सरकार को, गवर्नमेंट को और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को स्पेशली, या हम कह सकते हैं जो हम स्टेट गवर्नमेंट्स की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत है कि वो अपना जो एक कॉन्फिडेंस है इंडिया के ऊपर वो बिल्डअप करें और इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करें। ठीक है, दिस आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड यू शुड गो फॉर दिस बिकॉज बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है COVID-19 के दौर में हुई इकोनॉमिक क्षति या आर्थिक क्षति को कैसे जो है कैसे भरपाई की जा सकती है इसकी, आई वॉज़ यूजिंग सम हिंदी वर्ड बट आया नहीं माइंड में हूँ, तो कैसे उसकी भरपाई की जा सकती है या कैसे इन सब चीज़ों को वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है और इसके आइडियाज़ यहाँ पे दिए गए हैं। इकोनॉमिक टूल्स कौन से यूज़ में लाने चाहिए हमें, किस तरीके से हम जो इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, इवन सोसाइटी के सेंटिमेंट्स के साथ साथ इकोनॉमिकल इशूज़ को भी कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दी गई है। सो गवर्नमेंट शुड गो फॉर इट एंड वी ऑल्सो शुड गो for it so that we can it can be easy for us to write the answers on economic conditions of COVID-19. Okay, the next question is the significance of the Char Dham board verdict. It is all about religious based article. This is the basically religion based article and it is a setback of Hindutva and a victory of the state regulation of temples. Char Dham board verdict ke bare mein bataya gaya hai yahan pe. अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यू विल टेल मी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है ये पर्टिकुलर आर्टिकल और चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट क्या है। बेसिकली ये मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज हम लोग ऑलरेडी चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट पर वीडियो बना चुके हैं जो आज या कल में आपके पास पहुँच जाएगा, तो मतलब विद इन 1-2 डेज़ हम एक सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को, जैसे कि NEP बताया मैंने आपको, एजुकेशन पॉलिसी ले लीजिए या फिर ये चार धाम बोर्ड वर्डिक्ट ले लीजिए, इन सब पे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे वीडियोस बन रहे हैं जो कि आपको एक वीडियोज़ में सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देंगे, है ना। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो ऑल दोज वीडियोज़ एंड बी विद अस, टेक केयर, बाय बाय एंड इट वॉज ऑल फॉर टूडे। आज के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं और आज का हमारा जो सेशन है वो थोड़ा कट शॉर्ट भी करना पड़ा मुझे बिकॉज ऑफ सम ओकेजनल रीजन्स एंड जिससे कि ये प्रोवाइड करवाया गया है बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के, जिससे कि आपको ये भी प्रॉब्लम ना हो कि आपका एनालिसिस आज का रह गया है। सो डोंट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स एंड आप न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, इन आर्टिकल्स को भी एक बार अच्छे से पढ़िए। हालांकि जो डिस्कस किया है मैंने आपसे
इस बेसिस पर आपके कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही गए होंगे, अब जब आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो आपके और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि कल से हम जो एनालिसिस लेंगे उसके अंदर डिटेल्ड एनालिसिस ले सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, जो जितने ज़्यादा आर्टिकल्स लेते हैं उतना ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम आर्टिकल्स को शॉर्ट कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम लेवल पे उसका डिस्कशन या उसका कंक्लूजन्स लेंगे और उसके उसके लिंकेजेस को ऐड करेंगे, है ना। सो डोंट फॉरगेट टू बी विद अस एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।